हेलो फ्रेंड्स, दो दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक पे चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन कल के लिए यानी कि मंडे के लिए दो तीन स्टॉक काफ़ी शानदार मिले हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, तो उसकी चर्चा बनती है। और ये जो वीडियो है ये आपको मंडे को यानी कि कल ही आपको सुबह सुबह 7 बजे के आसपास ये वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक शुरू करने से पहले चर्चा करने से पहले उन स्टॉक की भी चर्चा बहुत जरूरी है जिनकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में यानी कि पहले ही किया था, जिसमें आप फर्स्ट स्टॉक देख रहे हैं टार्क को। टार्क का आप डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि हमने इस कैंडल पे आप लोगों के साथ चर्चा किया था स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए, और देखिए कि तब से स्टॉक में नॉन स्टॉप रैली ही चल रही है, 2% कभी 4%, और ओवरऑल देखेंगे तो हम लोगों को 10% से ज़्यादा का रिटर्न हम लोगों को 3 दिन में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आप मझगांव डॉक को देख रहे हैं, इसकी भी चर्चा मैंने पिछले ही वीडियो में किया था यानी कि 1 सप्ताह 10 दिन पहले किया था, और इस कैंडल पे इस स्टॉक को हम लोगों ने पकड़ा था और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफी बढ़िया स्टॉक हो सकता है इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। और तब से अब तक अगर इसको देखेंगे कि स्टॉक में कितना परसेंट की तेजी हो गई है, तो देखिए कि स्टॉक में लगभग 46% की तेजी हो गई है और हम लोगों को 46% का रिटर्न मिला है। और मात्र 14 जून को हमने ये चर्चा किया था, तो तब से अगर अब तक देखेंगे तो मुश्किल से 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ है और 46% का रिटर्न छोटी बात नहीं है, काफी बढ़िया रिटर्न इसे कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक और स्टॉक देख रहे हैं आप कोचिन शिपयार्ड को, और कोचिन शिपयार्ड की चर्चा हम लोगों ने इस कैंडल पे किया था, और उस समय जो प्राइस चल रहा था 1480 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा था, और अगर डेट देखें तो उस दिन का जो कैंडल था वह 18 मई का कैंडल था, और उसी समय हम लोगों ने चर्चा किया था इस स्टॉक के बारे में। और जब जब स्टॉक में गिरावट होती थी तब तब हम लोगों ने चर्चा किया है, और बार बार इस वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि इस स्टॉक को होल्ड रखिए, काफ़ी बढ़िया रिटर्न आप लोगों को मिलेगा इस स्टॉक में। तो ऐसा आखिर क्यों था? जब किसी चार्ट पैटर्न पर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होता है और फंडामेंटल पे पूरा विश्वास होता है, तो ऐसे ही होता है कि आप उस स्टॉक को गिरावट में भी बेचने की गलती ना करेंगे और उस स्टॉक में बने रहेंगे। और उसका आज नतीजा यह है कि 2 महीनों के अंदर ही आपको लगभग डबल हो गया, मतलब 100% का गेन मिला, 100% का गेन मिला लगभग इस स्टॉक में हम लोगों को मात्र 2 महीनों के अंदर ही। और इस स्टॉक को मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूं इस वीडियो में क्योंकि मेरा 2 दिनों से तबीयत खराब था, तो इसलिए मैं चार्ट एनालिसिस अच्छे से कर नहीं पा रहा था, तो मैं YouTube वीडियो देख रहा था। YouTube वीडियो पे कई वीडियो और कई ऐसे चैनल मैंने देखे कि उनके सब्सक्राइबर 2-2 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं, तो किसी के 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी खुल करके कोई भी स्ट्रेटेजी किसी ने नहीं बताया है, अपना स्ट्रेटेजी खुल के नहीं बताया है। एक भी वीडियो में आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि किसी स्टॉक को हम आखिर क्यों पकड़ रहे हैं, जो कि हमारे वीडियो में प्रॉपर बताया जाता है कि स्टॉक का ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद कंसोलिडेशन और रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इस स्टॉक में हम लोगों ने एंट्री बनाई है। तो हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम प्रॉपर रीजन बताते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है और मैं क्यों स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर रहा हूं। तो बहुत सारे चैनल और बहुत सारे वीडियो पे एक तो बताया नहीं जाता और बात भी स्विंग ट्रेडिंग में करते भी हैं तो क्या करते हैं, 5% की 7% की यानी कि 5 से 7% का रिटर्न की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि 5-7% 10% रिटर्न की जो बात कर रहे हैं, 5-10% तो एसिल होता है, 5-10% तो एसिल होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी ना है कि 1% का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद 2% का आप रिटर्न रखेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया हूं कि मैं एक स्विंग ट्रेडिंग पे प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं, प्रॉपर एक सीरीज लाने वाला हूं, और उस सीरीज में डे बाय डे छोटा छोटा टॉपिक डालता रहूँगा। और मैं पहले ही बताऊँगा कि स्विंग ट्रेडिंग में कौन कौन सा पार्ट को मैं बताने वाला हूँ और क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी तो आप लोगों ने हालांकि पूरी तरह से जान रहे हैं और अच्छे से समझ भी गए होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों ने कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं और कौन सा स्ट्रेटेजी पे स्टॉक बाय करते हैं, तो फिर भी मैं एक सीरीज लाऊंगा। हालांकि मैं स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना रखा हूं, आप उसे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ ज़रूरत है आप लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग तक आ चुके हैं इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा है उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, स्क्रीनर भी बता रखा है आप लोगों को, स्ट्रेटेजी भी बता रखा है, मनी मैनेजमेंट भी बता रखा है, टेक्निकल एनालिसिस भी बता रखा है, प्राइस एक्शन भी बता रखा है, सभी कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग का एक सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो कोई बात नहीं, मैं एक स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज स्टार्ट करूंगा और उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा, प्रॉपर तरीका बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी 2-3 तरह का स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन कौन सा स्ट्रेटेजी पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ताकि हम लोगों को काफी बढ़िया प्रॉफिट भी देखने के लिए मिले। और ये जो रैली है जितना कम टाइम में आप देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक को खरीद लीजिए और 2-4 महीना लेके बैठे रहिए 5-10% का रिटर्न के लिए, क्योंकि अगर जब मैं 2-3 महीना वेट करूंगा तो उसमें रिटर्न में कम से कम 40-50% का होना ही चाहिए, है ना, तो तभी तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है, नहीं तो फिर तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब कल के लिए मंडे के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक है उसे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स,
हम लोगों ने देखा है कि दो तीन दिनों से काफ़ी बढ़िया तेज मोमेंटम मिल रहा है रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक में। रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक में काफ़ी तेज मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक हैं उनमें स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनता है कि नहीं? तो देखिए, एक स्टॉक आप देख रहे हैं टेक्स रेल। टेक्स रेल की चर्चा मैंने ऑलरेडी पहले ही किया था, और क्यों किया था वो उस वीडियो में भी बताया था, और मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई का जो आप देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे किसी भी कैंडल को आप कंसीडर कर सकते हैं, और ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी बढ़िया इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमने मार्क किया है कैंडल, इसी कैंडल पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही चर्चा किया था कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, और जब 233-235 रुपये के ऊपर यह स्टॉक निकलेगा तब इसमें काफ़ी बढ़िया रैली हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही चर्चा कर रखा था, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। अब हम बताते हैं क्यों। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर वही स्टॉक को कंसीडर करता हूं जो कंसोलिडेशन और रिटेस्ट खत्म कर चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब रैली फेज में आ चुका है। तो इस स्टॉक का रैली फेज इस कैंडल से शुरू होता है, इस कैंडल से इसका रैली फेज शुरू हो जाता है। तो इस कैंडल पे हमने चर्चा नहीं किया इस स्टॉक का, और आज मैं इस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, इस कैंडल पे अगर हम पकड़ते तो अब तक हम लोगों को 10% का रिटर्न मिल जाता है ना, 10-12% का रिटर्न मिलता। अब है कि अब हम पकड़ेंगे तो 10-12% हमारा एसएल ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि देखेंगे कि एक बेस बनाया है इस स्टॉक ने, यहाँ पे एक बेस बनाया है और इस बेस के ऊपर निकल चुका है। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये रैली फेज में स्टॉक आ चुका है, दूसरा कि यह स्टॉप लॉस अपना छोटा कर चुका है। अब जो हम खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्विंग लो का रखेंगे, जो कि मैं ये मार्क करता हूँ ब्लैक लाइन से, यानी कि 246-245 रुपये का जो ये लाइन है, इसी लाइन का हम लोग स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पहले भी से भी बता रखा है और अभी भी बता रहा हूँ कि जो हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं वह डेली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग लो होता है ना, जो कि अच्छा खासा स्विंग लो होता है, उसी को रखते हैं। यानी कि अगर हम इस कैंडल पर स्टॉक को पकड़ते तो हमारा जो स्विंग लो था ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखते। अब इस कैंडल पर पकड़ रहे हैं या यहाँ भी कोई पकड़े होंगे तो उनका अब जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा ये 246 रुपये का, यानी इसी को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लगा दीजिएगा, यानी कि जहाँ पे कोई बेस बनता हो ना तब हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो यानी कि अब जो हमारा स्टॉप लॉस है 245 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉक चल रहा है 273 रुपये पे, तो यहाँ पे खरीदारी बनता है और जो हमारा एसएल आ रहा है उसके हिसाब से डबल हमारा टारगेट होगा। और जब मैं स्टॉक को बताया था, अगर यहाँ से अगर इस स्टॉक को देखा जाए कि कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है अब तक, तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो देखिए 33-34% का रिटर्न हम लोगों को मिल चुका है। और जब मैं चर्चा किया था तब 29 मई था, यानी कि जून जुलाई, यानी कि एक सवा महीना हो रहा है, एक सवा महीना में ऑलरेडी यह 30% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अभी क्या, अभी ही इसमें शुरुआत हुई है तेज़ी की, और इसमें मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रैली मिल सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पर मैं बता दूं कि जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूं वह केवल और केवल लर्निंग एवं एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो किसी भी स्टॉक में आप अपने ही रिस्क के हिसाब से खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं राम रतन बायर को देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक लाइन बना रखा है और कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसका ब्रेकआउट किया है इस कैंडल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अब बात करें कि क्या इसका रिटेस्ट कंप्लीट हुआ या कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो चलिए थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखते हैं। तो चलिए, हम अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं स्टॉक का, तो वीकली टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि ये जो कैंडल है ये फाइनली ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद रिटेस्ट करने नीचे भी आया है स्टॉक और काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन किया है। अगर देखें तो 2-2.5 महीने इसमें काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में। अब देखेंगे कि कंसोलिडेशन के ऊपर यह स्टॉक निकल चुका है, क्योंकि अगर हम ये मार्क ब्लैक लाइन से करते हैं तो देख रहे हैं कि इसके ऊपर यह स्टॉक निकल चुका है और वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज भी हो चुका है। वॉल्यूम भी देखेंगे तो लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया 2 महीना, वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़ा जनरेट हो रहा है इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल ही होने वाला है और इसमें काफ़ी बढ़िया रैली मिल सकता है हम लोगों को। अब डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखते हैं। चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो देखिए कि ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पकड़ना था, ठीक है, यहाँ कहने का मतलब सपोर्ट पे पकड़ना था जब रिटेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पकड़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक को कितना दिन होल्ड करना पड़े, 1 महीना होल्ड करना पड़ेगा कि 2 महीना होल्ड करना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा समय होल्ड करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर स्टॉक को रिटेस्ट पे नहीं पकड़ता। जब वो रिटेस्ट कंप्लीट कर चुका होता है और रैली फेज में आ चुका होता है ना, मैं तभी स्टॉक को पकड़ता हूँ, क्योंकि BPCL मैंने बताया है स्टॉक एक,
BPCL स्टॉक बताया है और उसे सपोर्ट पे ही मैंने बताया है और ऑलरेडी मैंने कह रखा है कि काफ़ी बढ़िया जैकपॉट यह स्टॉक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पेशेंस खो चुके हैं और मैसेज करके हमसे पूछते हैं कि सर इसका क्या करना है, तो बताइए कि आपको सपोर्ट में मैंने बताया था, ऑलरेडी पहले भी बताया है कि इसमें काफ़ी होल्ड करना पड़ सकता है लेकिन आपको मैसिव रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को पेशेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं खुद, मेरे पास भी पेशेंस नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा रैली फेज वाला स्टॉक को ही कंसीडर करता हूँ। तो देखिए कि ये अभी स्टॉक है जो रैली फेज में निकला है, राम रतन बायर, अभी जस्ट निकला है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी बढ़िया मौका है इस स्टॉक में खरीदारी करने का। अब इसका स्विंग लो की बात करें कि स्टॉप लॉस क्या होगा स्टॉक का, तो देखिए ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग लो है जो कि मैं इसे रेड लाइन से मार्क करता हूँ, ये स्विंग लो है 385 रुपये का, ठीक है 385 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है, और जो भी स्टॉप लॉस हमारा निकल के आ रहा है उसका डबल हम टारगेट रखने वाले हैं, और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, तो टारगेट भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा और 1:2 तो काफ़ी आराम से मिल सकता है स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक आप देख रहे हैं मार्कसेंस फार्मा को, मार्कसेंस फार्मा का आप मंथली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट में देखेंगे कि ये जो ऑल टाइम हाई है यह एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था, एक बार और टच करने की कोशिश किया है लेकिन गया नहीं है, वापस घूम गया है, फाइनली तीसरा अटेम्प्ट में यह स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट मंथली भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार ब्रेकआउट है, काफ़ी बड़ा बॉडी बना है स्टॉक का, और उसके बाद देखेंगे कि लगभग एक साल स्टॉक में काफ़ी शानदार कंसोलिडेशन हुआ है, जो कि ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, अब है कि कंसोलिडेशन के ऊपर यह स्टॉक निकल चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश करें क्योंकि वीकली क्लोजिंग हो चुका है, क्योंकि आज संडे है तो वीकली क्लोजिंग हो चुका है, आपका कैंडल भी क्लोज हो चुका है, तो देखिए कि ये लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ये हमारा क्लोजिंग हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, यानी कहने का मतलब है कि ब्रेकआउट भी हो गया, कंसोलिडेशन भी काफ़ी बढ़िया हुआ है और उसके ऊपर अब क्लोज भी हो चुका है, और अभी क्लोज हुआ है, ज़्यादा भागा नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखने की कोशिश करें तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि बस अभी क्लोज हुआ है, भले ही इसमें 16-17% की तेज़ी हुई है लेकिन अभी ये रैली फेज में आया है, तो आज का जो क्लोजिंग है, जो कि करंट का जो क्लोजिंग है, ये आपका क्लोजिंग है, प्राइस हो गया 187-188 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अगर मंडे को इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो बिंदास खरीदारी किया जा सकता है, और स्टॉक अगर मतलब जो करंट क्लोजिंग के नीचे रहता है तो आप इस सपोर्ट के आसपास खरीदने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का अब काम करेगा, तो यहाँ पे खरीदने की कोशिश करें यदि आपका स्टॉक मंडे को कल इस कैंडल के नीचे खुलता है तो, और यदि ऊपर खुलता है, ठीक है, और यदि इस कैंडल के ऊपर खुलता है तो बिना सोचे इसमें खरीदारी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा ही कह रहा है। अब बात करें कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखने वाले हैं हम लोग, तो देखिए स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो रहेगा, तो इसी कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, तो 162 रुपये का स्टॉप लॉस निकल के आता है, खरीदारी हमारा हो जाएगा 190 के आसपास, ऊपर अगर निकलता है तो 190 के आसपास, और यदि गिरावट में होता है तो सपोर्ट के आसपास हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है उसका डबल हम लोग टारगेट रखेंगे, और इसका भी चार्ट पैटर्न काफ़ी शानदार है, तो मुझे लगता है कि इसका टारगेट भी काफ़ी बड़ा होने वाला है स्टॉक में, और ऑलरेडी मार्कसेंस को हमने एक साल पहले ही स्टॉक को पकड़ा था, और उस समय हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न है कि जनरेट किया था इस स्टॉक।